निगड़ी प्राधिकरण में फ्लैट देख रहे हैं और मिल नहीं रहा है, इसी वजह से आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीवाई पाटिल कॉलेज के बिल्कुल बैक साइड में लोकेट करने वाला आज का हमारा 4 BHK फ्लैट के कारपेट जितना बड़ा एक्सक्लूसिव 3 BHK कम्युनिटी का प्रोजेक्ट, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ लग्जरी देखने को मिलने वाली है। ये सिग्नल आप देख रहे हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। इस सिग्नल के बिल्कुल उस साइड आ जाता है रावेत का हैंगिंग ब्रिज और मुंबई बैंगलोर हाईवे, इस साइड है यहाँ का डी मार्ट और इस साइड आ जाता है डीवाई पाटिल कॉलेज और बिल्कुल उसके पीछे ही लोकेट करता है आज का हमारा प्रोजेक्ट। अगर आपको इस फ्लैट का कारपेट एरिया जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रोजेक्ट। अब हम आ चुके हैं आपके 3 BHK फ्लैट में और ये लॉबी देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये लॉबी इतनी बड़ी है तो फ्लैट कितना ज्यादा बड़ा होगा। डोर भी देखिए, लग रहा है ना एक विला के डोर जितना ही बड़ा। इस डोर पे आपको डिजिटल डोर लॉक भी मिलने वाला है। ये है आपका मार्वेलस एंड ह्यूज लिविंग एरिया। क्या बात है, कितना बड़ा है। और टीवी भी देखिए कितना ज्यादा बड़ा इंस्टॉल किया गया है। आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि लिविंग एरिया ही इतना ज्यादा बड़ा है। इस लिविंग एरिया की लेंथ भी 22 फीट रहने वाली है और विड्थ भी 15 फीट। कहीं देखा है इतना बड़ा लिविंग? और यहाँ पे आप सोफा भी 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं बल्कि 12 सीटर डिजाइन कर सकते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ पे आपको 2.6x5.2 की ग्लेज विट्रिफाइड सिंपोलर की टाइल्स मिलने वाली है। और इधर देख रहे हैं, यह है आपका ह्यूज 6 सीटर डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप खाना खाते हुए सामने ही लगे हुए टीवी को देखने का मजा ले सकते हैं। और इस साइड मिल जाती है आपको इस लिविंग एरिया की अटैच्ड और कवर्ड बालकनी। अब आप ये फ्लैट ही प्रीमियम सेगमेंट में देख रहे हैं तो आपको ये बालकनी भी प्रीमियम ही मिलनी चाहिए। यहाँ पे आपको पर फ्लोर 4 ही फ्लैट मिलने वाले हैं और लिफ्ट्स भी 4 रहने वाली है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपके फ्लैट के लिए आपको पर्सनलाइज लिफ्ट मिलने वाली है। ये बालकनी ही देख लीजिए, इस बालकनी में आपको ये फिनेस्टा कंपनी के टफ एंड ग्लास के साउंड प्रूफ प्रीमियम क्वालिटी के डोर्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ सेफ्टी पर्पस के लिए ये ग्लास सैंडविच के ग्लास फसाड्स भी और बालकनी कवर्ड रहने वाली है, वो भी इतनी ज्यादा बड़ी। इस फ्लैट की सबसे स्पेशल और बढ़िया अगर जगह कोई है तो वो है यहाँ का किचन, जो आपको इतना ज्यादा ब्यूटीफुल और स्पेशियस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है ये कोरियन ग्रेनाइट का एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म और इस किचन की साइज रहने वाली है 10x12 करीब करीब। और यहाँ पे आपको इस किचन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है ये सिरामिक का सिंक भी। और आपने ना कहीं देखा होगा ना आपको कहीं मिलेगा इतना बड़ा और स्पेशियस आपको यहाँ पे यूटिलिटी एरिया मिलने वाला है। यहाँ पे आपको आपकी वॉशिंग मशीन के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ ये और एक ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सिरेमिक का सिंक मिलने वाला है फॉर द यूटेंसिल्स वॉश, और इस तरफ आपका डिश वॉशर भी इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है और इस साइड मिल जाती है आपके स्टोरेज के लिए एक स्टोर रूम जहां पे आपका किचन का पूरा सामान प्रॉपरली हाइड हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टोर रूम तो हो गई लेकिन पूजा रूम का क्या? तो पूजा रूम के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है जहां पे काफी ब्यूटीफुली आपका पूजा रूम डिजाइन हो सकता है और आप यहाँ पे डेली पूजा कर सकते हैं। अब इस तरफ आपको मिल जाता है आपका कॉमन वॉशरूम जहाँ पे आपको टोटो की जो है वो सैनिटरी फिटिंग्स मिलने वाली है और ग्रोहे की सीपी फिटिंग्स, साथ ही साथ लग्जूरियस वॉल टाइल्स और वेंटिलेशन के लिए डक्ट भी। आप जो ये लॉबी देख पा रहे हैं इसी लॉबी में मिलने वाली है आपकी तीनों बेडरूम और जो मास्टर बेडरूम रहने वाली है वो जरा एक्स्ट्रा स्पेशल और हटके होने वाली है, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आपके बच्चों की बेडरूम। अब आप किड्स बेडरूम में भी इतना बड़ा वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं और इस साइड आ जाता है आपका क्यूट सा बेड और इस तरफ आ जाती है आपकी एज टू एज रहने वाली ये फुल लेंथ विंडो जो सही में एज टू एज है और काफी बड़ी भी। यहाँ पे आपको नीचे की साइड और ऊपर की साइड भी टफ एंड ग्लास मिल जाता है। ये नीचे की साइड से ओपन नहीं हो सकती और ऊपर की साइड से 50% ओपन हो सकती है फॉर द वेंटिलेशन एंड सनलाइट। इस बेडरूम के बिल्कुल अपोजिट ही मिल जाती है आपको आपकी पेरेंट्स बेडरूम।
इस बेडरूम में आपको एंट्री पे ही मिल जाता है ये अटैच्ड वॉशरूम, जहां पे आपको आपके शॉवर एरिया के लिए ग्लास पार्टीशन मिलने वाला है। और ये पेरेंट्स बेडरूम भी कितनी ज्यादा ह्यूज और एम्पल स्पेस के साथ आपको मिल जाती है। यहाँ भी आप वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं, बेड के लिए भी इतना ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इस बेडरूम में भी मिल जाती है आपको एज टू एज फुल लेंथ विंडो। इस विंडो की वजह से इस बेडरूम को और भी ज्यादा लग्जरियस लुक आ जाता है ना। ये फ्लैट तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप एक नया घर ले रहे हैं तो आपको भी लगता है ना कि आपको और भी ऑप्शंस देखने चाहिए। इसी वजह से हमारे गेट सेट एसेट यूट्यूब चैनल पे आपको 50 प्लस फ्लैट के वर्चुअल टूर्स देखने को मिलने वाले हैं विद ऑल द स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स। तो ये वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि सबसे पहले नए फ्लैट्स के अपडेट्स आप ही को आने चाहिए। और मेरे पीछे ही है जिस बेडरूम को आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, वो मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम को मैंने सबसे ज्यादा स्पेशल और हटके क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है ये वॉकिंग क्लोजेट। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। और हाँ, यहाँ पे जो ये पार्ट है ये यहाँ के फर्नीचर और इंटीरियर का पार्ट है, लेकिन आप भी इसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। और मेरे पीछे ही है यहाँ का अटैच्ड वॉशरूम जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये आपको ब्लैक थीम में मिलने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको ग्लास पार्टीशन मिलने वाला है। वाओ, सही में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और स्पेशियस है ना ये बेडरूम। और अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक होगा, आप हर रोज रात को बुक्स पढ़ते होंगे, तो ये जगह आप ही के लिए। इस चेयर पर बैठ के आप आराम से यहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इस साइड आपको ये किंग साइज बेड भी डिजाइन किया हुआ दिख रहा होगा, फिर भी यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा खुली जगह देखने को मिल जाती है। और इस साइड मिल जाती है आपको इस बेडरूम की अटैच्ड और कवर्ड बालकनी। सुबह सुबह एक कप चाय और सनबाथ लेने के लिए ये मास्टर बेडरूम की बालकनी बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, यहाँ पे आपको एल शेप के ग्लास फसाड्स भी मिलने वाले हैं और बालकनी कवर्ड भी रहने वाली है। तो कैसा लगा आपको ये 3BHK फ्लैट? लग रहा है ना बिल्कुल किसी 4BHK फ्लैट जितना बड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रूम साइजेस, आपको यहाँ पे पूजा स्पेस भी सेपरेट मिल रहा है, स्टोरेज स्पेस भी है, यूटिलिटी एरिया भी इतना बड़ा और अटैच्ड बालकनीज भी, और ये ग्रैंड और लग्जूरियस लिविंग एरिया। आखिर कितना होगा इस फ्लैट का कार्पेट एरिया? इस फ्लैट का कार्पेट एरिया है 1423 स्क्वायर फीट, है ना बहुत ज्यादा बड़ा। अब आपको ये सवाल होगा कि आखिर इस फ्लैट की प्राइस कितनी है। अगर आपको इस फ्लैट की प्राइस जाननी है तो आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इतनी सब चीजें सुन के आपको यहाँ पे आके इस लग्जरी फ्लैट को देखने की इच्छा हुई होगी, यहाँ पे साइट विजिट को आना होगा। इसीलिए तो हम आपको साइट विजिट के लिए कैब फैसिलिटी फ्री दे रहे हैं। और किसी वजह से अगर आप आ नहीं सकते हैं, अगर आप बिजी हैं, तो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स आपके घर आके इस पूरे फ्लैट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और फिर भी आपको अगर कुछ सवाल है, हमारे लिए कुछ सजेशंस है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।